तो दोस्तों कई सालों बाद हमें अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं और सोने पे सुहागा ये एक एक्शन मूवी होने वाली है। जी हां, सबसे पहले हमने अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण को साल 2009 में आई चांदनी चौक टू चाइना में देखा था। फिल्म में अक्षय कुमार सिद्धू तो दीपिका पादुकोण सूजी की भूमिका में दिखी। इसके बाद साल 2010 में हाउसफुल में इन दोनों की जोड़ी को देखा गया, जहाँ अक्षय कुमार आरुष की भूमिका में थे तो वही दीपिका सैंडी राव की भूमिका में थी। वही साल 2011 में एक बार फिर अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण एक साथ फिल्म देसी बॉयज में दिखे, जहाँ अक्षय कुमार जेरी की भूमिका में थे तो दीपिका बनी थी राधिका। इसके बाद दोनों भी किसी मूवी में लीड एक्टर के तौर पर नहीं दिखे। अब लंबे अंतराल के बाद खबरें हैं दोनों एक फिल्म को लेकर आ रहे हैं और दर्शक भी कब से अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण को एक साथ एक फिल्म में देखना चाहते थे। वही ताजा खबर है कि अक्षय कुमार की फिल्म बेबी टू का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसमें हमें अक्षय कुमार के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है। आपको बता दें कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि बेबी टू में कौन कौन होने वाला है, लेकिन जो इनसाइड खबरें हैं वो सीधा दीपिका पादुकोण की तरफ इशारा कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों सोने पे सुहागा वाली बात होगी, क्योंकि नीरज पांडे एक ऐसे डायरेक्टर है जो दमदार अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। और अगर ये खबरें सच होती है तो ये काफी बड़ी मूवी साबित होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा कुछ और मूवीज में अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण साथ दिख सकते हैं, जैसे कि सिंघम अगेन में अक्षय कुमार दीपिका पादुकोण और अजय रणवीर एक साथ दिख सकते हैं। वही जैसा बताया जा रहा है हाउसफुल 5 में अब तक की पूरी हाउसफुल फ्रेंचाइजी की स्टार कास्ट दिख सकती है, तो ऐसे में दीपिका भी इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा थी, तो जाहिर सी बात है ये इस फिल्म में भी एक साथ दिख जाए। लेकिन सबसे बड़ी खबर तब होगी जब बेबी 2 में ये दोनों एक साथ देखने को मिले। बता दें नीरज पांडे द्वारा निर्देशित फिल्म बेबी जो कि 23 जनवरी 2015 में रिलीज हुई थी, दर्शकों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया था। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने स्पेशल कॉप की भूमिका निभाई थी। वैसे दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है दीपिका और अक्षय को एक साथ एक्शन करते देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय सर के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।